पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। बड़े बड़े भूमाफियाओं के बड़े बड़े होटल भवन जो अतिक्रमण में आते हैं उनको शासन के द्वारा ध्वस्त कराया जा रहा है। किंतु मध्य प्रदेश में सतना जिले के अमरपाटन ही एक ऐसा है, यहाँ पर अतिक्रमण हटना तो दूर, प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का मूड भी नहीं है। सतना जिले के अमरपाटन शहर में एक ऐसा प्राचीन काल की धरोहर गढ़ी है जो औवधा गढ़ी के नाम से जानी जाती है। दंत कथा के अनुसार 800 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो रीवा के राजघराने के राजा भाव सिंह के द्वारा अमरपाटन में बनवाई गई थी और जगन्नाथ जी के मंदिर की भी स्थापना राजा ने कराई थी और अटका प्रसाद चढ़ाया जाता है। काफी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते थे, मेला भी लगता था, लेकिन अब मंदिर में ताला लटका रहता है। जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं, ताला लटका मिलता है तो नम आंखों से वापस लौटना पड़ता है। के बारे में जानते हैं कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। इसमें कुछ समय पहले थाना भी था, हॉस्पिटल भी थी, मजिस्ट्रेट भी थी, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई वैसे वैसे यहाँ से विभाग जाते गए। कितने वर्ष पुराने हैं ये गढ़ी का तो कोई लेख यहाँ मिलता नहीं कि गढ़ी कितने वर्ष पुरानी है, लेकिन दंत कथाओं के मुताबिक 850-900 वर्ष गढ़ी पुरानी बताई जा रही है। कितने साल यहाँ थाना रहा, कितने साल थाना का तो अब वैसे जानकारी भी नहीं है, लेकिन जब तक हम लोगों ने देखा 1974-75 तक, तब तक थाना नहीं देखा। ये गढ़ी कितने एकड़ में लगभग बनी है? इस गढ़ी का रकबा है 12 एकड़ 48 डिसमिल है। अच्छा, इस गढ़ी का यहाँ कुछ कब्जे भी हैं? हाँ, यहाँ कब्जे भी है। हम लोगों ने कई बार अमरपाटन SDM, अमरपाटन तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया इस संबंध में, उन्होंने नोटिस भी काटी और नोटिस के बाद अपना कर्तव्य से भी मुख हो गए। गणमान्य नागरिक आए थे, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और उन्होंने बताया कि जो पुरातत्व महत्व की जो गढ़ी है इसमें कुछ परिवारों ने अवैध कब्जे करके निवास करने लगे हैं और पुरातत्व महत्व की होने के कारण मध्य प्रदेश पुरातत्व वालों ने भी इसको अपने अधीन कर लिया है। तो हम राजस्व विभाग और नगर पालिका मिलकर संयुक्त रूप से इसमें जितने भी परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं इन सबको चिन्हांकित करके इनको हटाएंगे और इसको गढ़ी को वापस से पूर्व अवस्था में लाने के लिए नगर पालिका के सहयोग से कुछ काम करवाएंगे। जी, आज हम हैं सतना जिले के अमरपाटन में, जहां पुरानी हवेली यानी गढ़ी बनी है जो 800 साल पुरानी है। इस गढ़ी को कभी राजा महाराजा रहा करते थे, जहां रीवा राजघराने के महाराजा के द्वारा यहां जगन्नाथ जी मूर्ति एवं राधे कृष्ण की भी मूर्ति विराजमान की गई। वहां अतिक्रमणकारियों के द्वारा इस महल को कब्जे में लिए हुए हैं, जहां कभी प्रसाद अटका भी वितरण हुआ करता था, जहां इस प्रसाद वितरण भी हुआ करता था, हजारों की तादाद में लोग आया करते थे और प्रसाद ग्रहण किया, पर आज यह महल वीरान नजर आता है। वहीं कभी इस अतिक्रमणकारियों के द्वारा यह महल जो है टूटता फूटता नजर आता है, कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग के हवाले भी हो गया, पर आज तक इसको कहीं सुधारकरण नहीं किया गया। कभी इस महल में राजा महाराजाओं के बाद भी थाना, तहसील एवं स्वास्थ्य विभाग रहा करता था, पर आज यह सिर्फ वीरान नजर आता है। अतिक्रमणकारी इनमें भरपूर अपना स्थान जमाए हुए हैं। वहीं पुरातत्व विभाग एवं कई पुरातत्व विभाग नोटिस दिया पर कार्रवाई नहीं किया। वहीं महाराजा के द्वारा कई बार SDM तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया, पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं यह महल अब जर्जर की स्थिति में है, जहां अतिक्रमणकारी अपना पूरा सिक्का जमाए हुए हैं। हालांकि जो भी हो, शासन को सख्ती से निपटना चाहिए और इस धरोहर को कहीं ना कहीं बचाना भी चाहिए। मैं दबंग न्यूज से प्रदीप शुक्ला, अमरपाटन।